प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास टेंथ का एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हम समझाएंगे। जरा समझिएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। नाम से लग रहा है सम अंतर, सेम डिफरेंस से अगर कोई भी सीरीज लिखी जाए, जैसे मान लिया हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है सेम है, 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो इस प्रकार की जो सीरीज बनती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड तरीके से लिखी जाती है ये ए होता है, फिर हमने इसमें डी प्लस कर दिया, फिर इसमें हमने डी प्लस कर दिया, फिर हमने इसमें डी प्लस कर दिया, तो ये जो सीरीज बनती है इसको हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। एपी मेरा भी नाम है, लेकिन आप फिलहाल ये वाला एपी समझिएगा। ये क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। आपने कैसे जाना ये एपी में है, तो देखिए ध्यान से, इसका जो डिफरेंस है, अगर T2 में T1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, D आएगा। T3 में अगर T2 माइनस करोगे क्या आएगा, D आएगा। T4 में अगर T3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, D आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके सबके जो डिफरेंसेस हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार की सीरीज को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार ध्यान रखिएगा, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। क्यों, हमने आपसे कहा कि बताइए 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 2 का अंतर है भाई। हमने कहा ठीक, अब बताओ 4 और 2 में कितने का है, आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक में प्लस करके बनाई गई है और एक में ये माइनस करके बनाई गई है। तो डी निकालने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, T2 में से T1 को माइनस करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज आपको यह बतानी है कि भाई हमने कहा ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एक मिनट, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इस प्रकार से हमने कहा 50वां टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। तो अब सबसे पहले इसके nth टर्म के लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, nth टर्म, इसको आप जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं, यानी कि nवां पद आपको निकालना है, nवां पद। देखिए मैं इसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, a, क्या इसमें d है, नहीं, क्यों, आप कहेंगे भाई इसमें d है, 0d, बात तो ये है, डी नहीं है, लेकिन हम चाहें ए प्लस इस 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, यानी जो पहला टर्म था तो हमने यहां क्या लिखा, 1 माइनस 1, ये क्या है सेकेंड टर्म ए प्लस डी, कितने डी है, 1 डी है, 1 डी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हमने बताया ए प्लस 2 डी, इसमें कितने डी है, 2, क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो भाई nवां पद क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, tn, बुक में an लिखा गया है, an, ये थोड़ा लिखने में अजीब लगता है इसलिए हम tn मानेंगे, बुक में an है, क्योंकि फर्स्ट a, फिर सेकेंड a2, थर्ड a3, तो इसलिए उन्होंने an माना है, वो भी ठीक है, लेकिन वो tn मानिए, तो tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जैसे हमने कहा 10वां टर्म क्या होगा, तो n है 10, और उस 10 की जगह जो रखा हुआ नंबर है वो tn है। ठीक है, और अगर हम मान लें कि इसमें n ही टर्म्स हैं, तो यही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, यही आपका अंतिम टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये पहला फार्मूला है जिसमें 2 एक्सरसाइजेस कवर हैं, इसमें एक फार्मूला और समझ लीजिएगा, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये लास्ट वाला टर्म है। अब जरा उधर से आइए, उधर से पहला टर्म क्या है, एल, देखिए
अगर मैं कहूं nth टर्म फ्रॉम बेगिनिंग, nth टर्म निकालना है फ्रॉम बेगिनिंग, मतलब शुरुआत से, प्रारंभ से आपको, प्रारंभ से एनवा पद निकालना है, एनवा पद। तो tn क्या होगा, अभी हमने लिखा a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फर्स्ट से है कि स्टार्टिंग से बताओ कि दसवां टर्म क्या होगा, हमने कहा उधर से बता, लास्ट से बताइए। तो ये अगर आपको निकालना हो फार्मूला nth टर्म फ्रॉम n, फ्रॉम n, यानी अंत से आपको निकालना हो कि अंत से n वहां पर निकालो tn, तो देखिए इधर से फर्स्ट टर्म क्या था, पहला टर्म क्या था a, उधर से पहला कौन है l, तो एक जगह आ जाएगा n। इधर से जो d प्लस में जा रहा था उधर से जब आएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा n माइनस वन इन टू डी, डी निकलेगा, यही d निकालने का जो फार्मूला होगा वो t2 माइनस t1 ही होगा, लेकिन ये माइनस करके निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइजेस जो आपकी बुक की हैं, उसके दो एक्सरसाइजेस के ये फार्मूले हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट हम लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज है 5.1 का पहला क्वेश्चन, बुक आपके पास होगी, क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एपी एंड वाई, इसमें लिखा है कि एक रिलेशन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, एक उन्होंने कह रहे बताओ ये एपी में है कि नहीं है। तो इसका पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया आपको निकालना है, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी किराया निकालना है, जबकि कहा गया है कि पहले किलोमीटर में उसको 15 रुपीज लेना है और हर एडिशनल किलोमीटर में, हर आगे बढ़ोगे 8 रुपए, फिर आगे बढ़ोगे और 8 रुपए, और फिर आगे बढ़ोगे फिर 8 रुपए, तो इस प्रकार से जो फेयर आपको मिलेगा, फेयर मतलब किराया, जो किराया मिलेगा वो एपी में है कि नहीं, जरा देखिए ध्यान से, यानी कि अगर हम निकालें कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया क्या है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, फर्स्ट किलोमीटर कितना है रुपीज 15, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया ये 15 रुपए है पहला किलोमीटर, ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश हिंदी में, अच्छा फेयर फॉर टू किलोमीटर, देखिए हम सेकेंड किलोमीटर नहीं लिख रहे हैं, दो पूरा किलोमीटर कितना पैसा पड़ेगा, यानी कि दो किलोमीटर का किराया तो कितना टैक्सी वाला लेगा, वो कहेगा 15 ये और 8 ये, हमको 23 रुपए चाहिए, नहीं चाहिए। फिर फेयर फॉर, मैं थर्ड में लिख रहा हूं, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया कितना लेगा वो, 2 किलोमीटर तक आपसे 23 रुपए लिया है 23, 8 रुपए और लेगा तो ये 31 हो गया, तो ये किराया क्या हो गया, ये किराया आपको मिल रहा है 15, 23, 31, इस प्रकार से मिल रहा है। ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अब ये एपी में है कि नहीं है ये आपको दिखाना है। देखिए अगर हम T2 में से T1 माइनस कर दें, यानी कि 23 में से 15 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। T3 में से, इसको थोड़ा साफ लिख लो, पगंदा है, T2 में से T1 माइनस करो, 23 में से 15 तो कितना आएगा, 8 आएगा। T3 में से T2 माइनस करो, 31 माइनस 23 तभी 8 आएगा, दोनों सेम आ रहे तो आप लिखेंगे, अतः यहां लिख देंगे एज, क्योंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज इन एपी, इसलिए यह एपी में है, सो दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी,
या समांतर श्रेणी में है, या समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, क्या कहा गया कि पहले किलोमीटर 15 रुपए लिया, फिर हर किलोमीटर में 8-8 रुपए हुआ, तो मैं 1 किलोमीटर गया 15 रुपया लिया, 2 किलोमीटर गया 15+8, 3 किलोमीटर 15+8+8। तो इस प्रकार से डिफरेंस हमेशा 8-8 का आएगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अगला देखिए, इसका सेकेंड पार्ट नोट करते जाइएगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये पहली एक्सरसाइज चल रही साइज 5.1, किताब देख लीजिएगा, ना हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा कहा गया है क्वेश्चन, जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहा गया कि कोई भी एक सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है, और उसमें जो पंप से हम 1/4 पार्ट बाहर निकालते हैं, 1/4 उसका बाहर निकाल लिया, यानी 1/4 पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो बच जाती है वो गैस कितनी होगी, और जो बची हुई मात्रा है, जो बची हुई अमाउंट है, वो एबी में है कि नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि माना लेट इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम, यानी हमने यहां पर क्या माना है कि प्रारंभिक इसका जो आयतन है वो कितना माना है V। अब इससे कितना निकाल लेंगे, एयर बाहर कितनी निकली इसमें, तो एयर रिमूव्ड इन या फर्स्ट टाइम, प्रथम बार बाहर निकली हवा, बाहर निकली हवा, ये लैंग्वेज बार बार नहीं लिखेंगे, कितनी निकली उसने, कह रहा है V/4 बाहर निकाल देता है, बची कितनी, रिमेनिंग एयर कहां पर, इन सिलेंडर में बची एयर, बची हवा कितनी बची है, देखो V थी, उसमें से V/4 माइनस हो गया, एलसीएम ले लो, तो ये 3V/4 बचेगी, यानी पहले कितना वॉल्यूम था, कितना आयतन था, V था, अब कितना बचा, 3V/4 बचा। अब सेकेंड टाइम एयर रिमूव्ड इन सेकेंड टाइम, बची हुई जो एयर होता है उसका 1/4 बाहर निकालता है, 1/4, यानी कि दूसरी बार निकली हवा का आयतन, मतलब निकली हवा वो नहीं है कि हवा लगाने हवा निकल गई, देखो ध्यान से, जो आपका 3V/4 है उसका 1/4 और कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 3V/16। अब बची हुई हवा कितनी है, रिमेनिंग एयर बची हवा कितनी बची है, ये हिंदी वाले अपना हिंदी वर्ड उतारेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वर्ड उतारेंगे, भाई देखिए पहले कितनी थी 3V/4, सेकेंड टाइम में जो हमने पहली बार बची हुई थी उसमें से 3V/16 हमने बाहर निकाल ली, ये ध्यान रखिए पहली बार वाली है जो बची हुई है, ये दूसरी बार वाली, इसको याद रखिएगा, अभी इसको नोट किया जाएगा। देखिए तो कितना आएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 3 = 12, 12V माइनस 3V बराबर कितना होगा 9V/16। इसी प्रकार से फिर इसका 1/4 निकालोगी, 1/4 निकालोगी, ठीक है, तो इस प्रकार से जो एयर बच रही है सो ऐसे बनता है, ऐसे सो रिमेनिंग एयर क्या होगी, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में बची हुई हवा, बची हवा पहले V थी, फिर V/3V/4 बच गई,
फिर 9v/16 बच गई, इस प्रकार से बच रही है। तो इसका इसका डिफरेंस निकालो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इसका इसका डिफरेंस निकालो, इसका इसका डिफरेंस निकालो, अगर दोनों सेम आते हैं तो ये एपी होगा। देखिए अब t2 - t1 निकालते हैं, यानी 3v/4 में से v माइनस करोगे, 4 हो जाएगा एलसीएम, तो क्या आएगा 3v - 4v बराबर -v/4, पहले माइनस आ गया। खैर अब इसमें से इसको माइनस करो, t3 - t2, t3 कितना है 9v/16 - 3v/4, वैसे भी माइनस आएगा, घट रही है हवा, इसमें 16 एलसीएम हो गया तो आएगा 9v - 12v = -3v/16। क्या दोनों मान समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो आप लिखेंगे एज t2 - t1 इज नॉट इक्वल टू t3 - t2, सो ये एपी में नहीं होगा। तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो जिसमें t2 - t1 इक्वल नहीं होते हैं तो वो एपी में नहीं होता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लिखिए, थर्ड पार्ट इसका लिखिए, बहुत समझती करिएगा, जहां ना आए वहां पूछ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 फॉर ईच सीक्वेंस सब्सिक्वेंट मीटर, तो इज इट इन एपी। कह रहे हैं कि एक कुआं खोदना है तो पहली मीटर की जो खुदाई थी वो ₹150 पड़नी है और हर मीटर ₹50 पड़ना है, इसको अपने आप कर लीजिएगा। पहला मीटर खोदोगे तो ₹150, दो मीटर खोदोगे तो 150 + 50 ₹200 हो जाएगा, तीन मीटर खोदोगे तो 250 हो जाएगा। तो सीरीज क्या बनेगी, सीक्वेंस क्या बनेगी, 150 200 250, तो दो सबका डिफरेंस कितना आएगा, 50 आएगा, तो ये अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका देखिए, जरा थोड़ा सा टेक्निकल है फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर के चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। आपने चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन पढ़ा होगा, अमाउंट पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू होता है पी 1 + r/100 to power n, ये था मिश्रधन, ये था मूलधन जो हम पैसा जमा करते हैं, और ये थी दर जिस दर से हमको मिलता है पैसा, और ये था समय, ये हमने पढ़ा है। ठीक, अब देखिए पहले निकालते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ना लिखिए वन ईयर लिखिए, फॉर वन ईयर, एक साल में अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल है आपका 10,000, 1 + 8/100 और पावर क्या हो जाएगी, एक, तो पहले साल आपको अमाउंट इतना मिलेगा। ठीक है, इसको ए वन मान लो, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर नहीं, फॉर टू ईयर्स, दो साल के लिए हम अगर जमा करते हैं तो अमाउंट कितना मिलेगा, पी, पी मतलब 10,000, 1 + 8/100 to power 2 हो जाएगा, ये एक साल के लिए था, एक साल के लिए हम बात कर रहे हैं और ये दो साल के लिए बात कर रहे हैं। फिर फॉर थ्री इयर्स, अगर तीन साल के लिए आप बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, 1 + 8/100 to power 3। अगर ये पहला टर्म हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, यानी आपकी लैंग्वेज के हिसाब से ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है, अगर इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो t2 - t1 इज नॉट इक्वल टू t3 - t2, सो इट इज नॉट इन एपी, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक एपी दी हुई है, उसमें पहले चार टर्म लिखने हैं आप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा,
राइटिंग में हम चूंकि बोलते भी जाते हैं तो एक बार देखते भी जाओ उसमें क्या लिख रहे हैं। वैसे राइटिंग ठीक है लेकिन गड़बड़ भी है। देखिए सेकेंड टर्म सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि एक एपी दी गई है और उसमें प्रथम चार टर्म आपको लिखने हैं, जिसका फर्स्ट टर्म दिया है ए और कॉमन डिफरेंस दिया है डी। तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए दिया गया है, इन्होंने दिया है 10 और डी दिया है 10, ए दिया है 10, डी दिया है 10। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स प्रथम चार पद क्या बताए गए हैं, प्रथम चार पद क्या बताए गए, पहला बताया गया ए, फिर इसमें डी प्लस कर दिया गया, फिर इसमें डी प्लस कर दिया गया और फिर इसमें डी प्लस कर दिया गया, ये तो किया गया है। तो पहला हो गया 10, इसमें 10 करोगे 20, इसमें 10 करोगे 30, इसमें 10 करोगे 40, ये पहले चार टर्म हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे पार्ट हैं, सब में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये सब में लिखना है आपको, ये सब में लिखना है, चलो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, इसी को नोट करके बाद में इसमें सेकेंड हम लिखे दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में ए है आपका -2, ए आपका है -2 और डी है आपका है, आप मत रब कर दीजिएगा, आपका सेकेंड पार्ट ये होगा, हमारे पास रब करने का चूंकि एक तरीका है इसलिए हम इसको कैसे बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, रखिए ए -2, अब चूंकि जीरो जोड़ना है तो बार बार क्या आएगा, -2 तो आएगा, कि जीरो ऐड करने से कोई वैल्यू तो फर्क पड़ेगी नहीं। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ए दिया है 4, डी है -3, ए दिया है 4 और डी है -3, ये 4, इसमें 3 माइनस करो तो 4 माइनस 3, इसमें 4 माइनस 2 इंटू 3, इसमें 4 माइनस 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, इसमें 3 करोगे माइनस क्या आएगा 1, इसमें क्या आएगा 4 माइनस 6, इसमें 4 माइनस 9, ये क्या आएगा 4 1, इसे क्या आएगा -2, ये माइनस का 5। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट अपने आप करेंगे, फिफ्थ थोड़ा हम बता दे रहे हैं पॉइंट में है, गलती ना हो जाए, फोर्थ अपने आप करिए। देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में जो है, फिफ्थ पार्ट ए दिया है -1.25 और डी कितना दिया है -0.25, रख दीजिए यहां वैल्यू, ये क्या आएगा -1.25 कॉमा, इसमें क्या आएगा -1.25 -0.25 कॉमा -1.25 -2 इंटू 0.25 कॉमा -1.25 -2 इंटू 0.25 3 इंटू, ये तो आएगा। अब चूंकि पॉइंट के प्लस माइनस में बहुत टेंथ के स्टूडेंट को दिक्कत होती है, ध्यान से समझिएगा, ये तो यही रहेगा, जब दोनों माइनस होते हैं तो आपने पढ़ा दोनों माइनस होंगे तो ऐड होंगे और आंसर माइनस में आएगा, दोनों प्लस होंगे तो माइनस तो प्लस होंगे, आंसर प्लस में आएगा, एक प्लस एक माइनस हो तो हमेशा माइनस करते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है वो माइनस जो है वह उसका साइन लगता है। आप इसको क्या करेंगे 1.25, ये पॉइंट पॉइंट के नीचे आता है तो ये 250 और ये क्या आएगा 1.50, तो -1.50। अब जरा देखिए इसको, इसमें माइनस ना कर देना, आपको पढ़ाया गया बॉड मास, पहले ब्रैकेट खोलेंगे फिर ऑफ करेंगे फिर डिवीजन यानी कि डिवाइड करेंगे भाग करेंगे फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे फिर एडिशन यानी कि जोड़ेंगे फिर सब्ट्रैक्शन फिर माइनस करेंगे, तो पहले ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1.25 -0.50 करेंगे, इसमें -1.25 -0.75 करेंगे। अब आप इसको लिखिए -1.25 -1.50 -1.25 में करिए इसको, तो 1.25 में 0.50 करिए तो 5 आएगा 7 आएगा तो माइनस का 1.75 आएगा, उसको करिए आप तो ये आपका माइनस का 2 आएगा।
तो इस प्रकार से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, ये नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी आपको एक एपी दी हुई है और इसमें कहते हैं फर्स्ट टर्म और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका समझिएगा, ये है 3 1 -1, 3 1 -1 -3, ये कह रहा है ये एपी में समांतर श्रेणी में, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, हो गया। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, 3 और 1 का अंतर कितना होता है, आप कहेंगे भाई 2 का अंतर होता है, लेकिन हमने क्या बताया कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करके आप निकालेंगे, यानी 1 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये घटते हुए ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, -5 -1 -5 -1 3 7 3 7, ये है, ये एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5 है। डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे -5, साइन ये अलजेब्रा है, इसमें मेन साइन होती है, अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ साइन, ये प्लस माइनस की गणित है, समझ लीजिएगा। तो ये आएगा -1 + 5 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे, फोर्थ पार्ट हम बता देते हैं, फोर्थ पार्ट लिखा -0.6, 1.7, 2.8, इस प्रकार से एपी लिखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 0.6, डी कैसे निकालेंगे, 1.7 में माइनस करेंगे 0.6, 17 में 6 माइनस मत कर देना, 1.7 माइनस लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, यहां 6 लिखोगे, ठीक है, यहां 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 1.1 आएगा। डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन एडिशन ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपके का फोर्थ क्वेश्चन हो गया जाकर के, सॉरी थर्ड क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन समझिएगा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, करीब 14-15 पार्ट हैं, और कह रहा है कि ये एपी है, तो पहले बताओ कि इसमें से कौन एपी है, पहले ये बताओ, और उसका डी निकालो, और उसके आगे के इनके 3 और टर्म निकालिए। ठीक है, जरा समझिएगा, इसके कुछ पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सीरीज दी है आपकी 2 4 8 16, उन्होंने ये नहीं कहा ये एपी है, बोले चेक करो ये एपी है, अगर ये चेक हो जाए तो इसके आगे के 3 टर्म और निकालिए, 4 टर्म दिए हैं, 5th, 6th और 7th टर्म निकालिए, तो इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। एपी होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसका इसका डिफरेंस और इसका इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब T2 में हम T1 माइनस करेंगे तो आएगा 4 - 2 यानी कि 2 आ गया, T3 में से हम T2 माइनस करेंगे यानी 8 - 4 यानी कि 4 आ गया, तो आप लिखेंगे चूंकि T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2, ये अंतर सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट इन एपी। अब ये एपी में नहीं है फिर भी आगे के 3 टर्म निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे टर्म्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और एक दो पार्ट देख लेते हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, अपने आप माइनस करके देख लोगे मालूम हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ऐसे रेंडमली हम उठा रहे हैं, -1.2, -1.2, -3.2, -3.2, -5.2, ऐसे दिया है, -7.2 ये दिया हुआ है, एपी है नहीं है मुझे नहीं मालूम, उसको एपी मत लिख देना वहां पर। इसका फर्स्ट टर्म T2 - T1 निकालते हैं, तो -3.2 में माइनस करेंगे -1.2, साइन गड़बड़ ना हो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये
-3.2 +1.2। आप देखो साइन अलग अलग हो गए। हमने क्या कहा था, अगर एक प्लस में है एक माइनस में, हमेशा माइनस करेंगे आप, यानी 3.2 में से 1.2 माइनस किया तो 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। बड़ा कौन है, -3.2, तो -2 आ गया। आप क्या करेंगे, T3 - T2 यानी कि -5.2 में माइनस करेंगे -3.2, तो आएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी आपका -2 आ गया। अब देखिए ये दोनों समान आ गए, तो आप लिखेंगे चूंकि एज T2 - T1 = T3 - T2, अतः ये एपी है। और ये जो डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअली में यही तो आपका डी होता है। डी क्या होता है, यही तो निकालते हैं आप। और ए यहां पर क्या है, तो अब कह रहे हैं इसके आगे के दो तीन टर्म निकालो। तो देखिए अब यहां पर टीएल लगाओ या मत लगाओ, लेकिन लगा दीजिएगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो हमने अभी बताया फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू होता है a+n-1 × d, तो यानी आएगा a प्लस एन क्या है 5, तो 5 - 1 × d, तो a हो गया कितना -1.2 प्लस ये 4 × d कितना हो गया माइनस का 2, तो आ गया -1.2 प्लस का 8, माइनस का 8, तो माइनस का 9.2। ठीक है, ये कौन सा टर्म निकला है फिफ्थ। अब T6 निकाल लो, T6 निकाल लो, a प्लस 5t हो जाएगा। a क्या है -1.2 प्लस 5 × d क्या है माइनस का 2, तो -1.2 माइनस का 10, तो आएगा माइनस का 11.2। इसी प्रकार से T7 निकाल लो, a प्लस 6d, तो a आपका कितना हो गया -1.2 प्लस 6 × -2, -1.2 -12 = -13.2। तो इस प्रकार से आप ये टर्म निकालेंगे, और बहुत सारे पार्ट हैं, अपने आप करिएगा। एक पार्ट और देखिएगा, थोड़ा लिखा जी तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए ये इसका सिक्स पार्ट इसका है। क्या लिखा है, 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो आप T2 - T1 निकालो, कितना आएगा 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे। अब माइनस में जैसा मैंने बताया बहुत दिक्कत आप लोगों को होती है, ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, ये जीरो है ये टू है, आगे नहीं है तो जीरो आ जाएगा, तो कितना आएगा टू, ये आएगा जीरो, तो कितना आएगा 0.02, ये हो गया। इसके बाद T3 - T2 करो, मतलब 0.222 में माइनस करोगे 0.22, क्या करेंगे 0.222.220, तो 200 ये 0.002 दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे एज चूंकि T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2, सो इट इज नॉट इन। ठीक है, ओके।